माय गॉड, ये एक और डिजास्टर है। ज़ॉम्बी एपोकलिप्स का सीन हुआ था यहाँ पे। ये तो पूरा टनल ब्लॉक्ड है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनमें से ज़ॉम्बीज़ कौन है और अच्छा बंदा कौन है, इसलिए मैं तो अन्य वाफ फाइटिंग कर रहा हूँ। लेकिन होपफुली हम लोग किसी अच्छे बंदे को नहीं मारेंगे। ये देखो इन्फेक्ट हो गया। Hey, what's up guys? We are back with another GTA 5 video. तो अभी अगर तुम लोगों में से किसी ने नहीं किया हो तो सब्सक्राइब, नीचे रेड कलर का बटन होगा, डू सब्सक्राइब राइट नाउ, लाइक द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन। नीचे बेल आइकन होगा, उसको लाजमी दबाना है, सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो आज हम लोग अपने पुराने शहर में वापस आए हैं। वजह यह है कि हमारा एक दोस्त है माइकल। माइकल ने हमें कॉल करके बताया कि उसके शहर में जो है ना वायरस फैला हुआ है। वायरस किस चीज़ का? ज़ॉम्बी एपोकलिप्स का। ठीक है, मतलब वो ऐसा वायरस है जो बाहर अगर तुम निकलते हो, ठीक है, रात को, तो वो तुम्हें ज़ॉम्बी बना देता है। ठीक है, तो वो उस जगह से निकलना चाहता है। तो आज हम लोग उसको लेने आए हैं और अभी हम लोग पुराने शहर से आ रहे हैं। प्लेन अपना लैंड करते हैं कहीं पे, आई थिंक करीब तरीन एयरपोर्ट यही है। मैंने पहिए तो निकाल लिए हैं। तो वो बेसिकली ज़ॉम्बी एपोकलिप्स आया हुआ है इस जगह पे और हम लोगों को खुद भी सर्वाइव करना है और अपने दोस्त माइकल को पिक करके उसको बैठा के हमें लेकर जाना है अपने शहर जहाँ पे हमारे बाकी के बॉयज़ हैं। ओके, स्लो कर ले। परफेक्ट लैंडिंग। आए हाय आए हाय। अब हम लोग यहाँ पे उतर जाते हैं। इधर गैराज में हमारी खड़ी होगी होंडा सिविक, हमारे अंदर यहाँ पे पड़ी होनी चाहिए। अरे ये रही है। ये तो कलर चेंज कराया भाई साहब। आए हाय, ये क्या किया इसने भाई? ये इसने पर्पल सा करा लिया, नियॉन सा। बड़ा हैवी कलर कराया है। आई थिंक थोड़ी मॉडिफाई भी करवाई हुई है इसमें, क्योंकि हैंडलिंग काफ़ी अच्छी लग रही है। हम अपने प्लेन को यहीं पे लैंड करें क्योंकि हमें बाद में चाहिए होगा प्लेन। अभी हम लोग रोड की तरफ चलते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ी हैंडलिंग मुश्किल हो रही है। तो अभी हम लोग माइकल को कॉल लगा लेते हैं कि हम लोग पहुँच चुके हैं और इसको मिलने के लिए बुलाते हैं बाहर। कॉल लगा लेता हूँ मैं इसको, हैंग आउट के लिए बुलाता हूँ। ओके, तो अब हम लोग इसको पिक करने जा सकते हैं। मैं मार्कर लगा लेता हूँ इसकी घर वाली जगह पे और नंबर प्लेट भी उसने मेरे वाला रख दिया क्योंकि उसको पता है कि मैं आता रहता हूँ और उसको गाड़ी चाहिए होगी, तो उसने नंबर प्लेट में भी टक्की लिखवा दी है। वाह, इधर ही कहीं पे होगा वो, किस जगह पे? अच्छा, ये बार खराब है, अपने किसी दोस्त से मिलने आया होगा। अंदर बैठो। तो माइकल जो है अभी हमें ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के बारे में बता रहा है जो इसके शहर पे आजकल आया हुआ है। तो सीन ये है कि जब भी कोई रात को बाहर निकलता है तो ज़ॉम्बी वायरस उसको चढ़ जाता है और वो ज़ॉम्बी बन जाता है। अब मुझे नहीं पता है किस चीज़ की बात कर रहा है। तो इस वक्त हम लोग इसके घर की तरफ जा रहे हैं और जैसे ही हम लोग इसका सामान वगैरह पकड़ेंगे तो आई थिंक थोड़ी बहुत रात भी हो जाएगी और हम लोग देख सकेंगे कि किस ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की बात कर रहा है। तो खैर, हम लोग फाइनली माइकल के घर पहुँच चुके हैं और खुल जा भाई गेट, खुल जा। इस गाड़ी को हम लोग यहाँ पे पार्क कर देते हैं और देखते हैं कि माइकल के पास कौन सी गाड़ी है। हाँ जी भाई, गड्डी कितने आ गई तेरी? तो गाड़ी इसने यहाँ पे कहीं पे पार्क की हुई है। ओए ओए ओए, मतलब हमारे लिए उसने सिविक रखी हुई है और खुद इसने क्या रखी हुई है? क्रोम रैप लैम्बोर्गिनी सेंट्रिनो। अरे बॉयज, दिस इज फुली कस्टम क्रोम रैप्ड लैम्बोर्गिनी सेंटेनारियो LP770। ओके, ओ यार ये क्या पिक है भाई। ये वही है वो जो शुरू में हम जिसमें मीटियोर में हम लोगों ने एस्केप किया है, ये लैम्बोर्गिनी वही है। बट एक्सेप्ट ये थोड़ी सी तेज़ है और ये क्रोम रैप्ड है। ये तो बहुत तेज़ है, इसकी बहुत ज़्यादा पिक है। ये देखना, आई होप कि तुम लोग देख पा रहे हो। व्हाट ओ भाई, दिस इज सो फास्ट। मुझे बस डर है कि ठुकना जाए, नहीं तो इसने हमसे बजिलियन डॉलर मांग लेने हैं। मैं इधर ब्रेक मार लेता हूँ। ना इसकी रिफ्लेक्शन देख रहे हो, बादल तक नजर आ रहे हैं। कार्बन फाइबर रूफ, फुली क्रोम रैप्ड। उधर हमारे पास दूसरे शहर में तो लैम्बोर्गिनी वर्निनो है, लेकिन यार ये मुझे ज्यादा पसंद है। काश हमारे पास इतने पैसे आ जाएं कि हम लोग उधर भी ये वाली गाड़ी ले सकें और उसको ऐसे ही मॉडिफाई करा सकें जिस तरह की इसने की हुई है। क्रोम रैप्ड काफी अच्छी लगती है। वेट, यहाँ पे क्या हुआ है? व्हाट, वेट, व्हाट इज दिस? हेलो, व्हाट, ये क्या सीन है? हैं? ये तबाही क्यों हुई है? वो प्लेन फटा हुआ है यहाँ पे। वेट, उधर पास जाके देखते हैं। माइकल बैठ 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 बैठ। वेट व्हाट? ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस? उतरो 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 उतरो, लेट्स सी। वेट व्हाट? आई थिंक ये ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की वजह से कोई सीन हुआ है यहाँ पे और फायर फाइटर मरे हुए हैं। ये तो ब्लड बात हुआ है यार यहाँ पे। माइकल गाड़ी में बैठ। ये आई थिंक उसकी वजह से ही है, ये ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की वजह से ही है क्योंकि न्यूज़ में भी आ रहा है अबाउट ज़ॉम्बी एपोकलिप्स, तो दिस मस्ट बी ट्रू। और आई थिंक ये ऐसा डिज़ास्टर और भी जगह पर हुआ होगा। यहाँ पर तो पूरी जो है सब कुछ ब्लॉक्ड है,
गाड़ियां ब्लॉक्ड हैं, यहाँ पे पुलिस खड़ी है। तो अभी हम लोगों को वो दूसरे वाले एयरपोर्ट वापस जाना है जहाँ पे हम लोगों ने अपना ब्लैक कलर का प्राइवेट जेट छोड़ा था, ताकि हम लोग यहाँ से जा सके। माइकल ने सामान वगैरह पकड़ लिए, ये लैम्बोर्गिनी हम लोग उसी एयरपोर्ट पे पार्क कर देंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम लोग आए तो हमें सिविक की जगह कम अज़ कम लैम्बोर्गिनी मिल सके, ठीक है, जिसकी हैंडलिंग भी बेहतर है। हम लोग पहुँचने वाले हैं आई थिंक उस एयरपोर्ट तक, लेकिन वही वॉट हेलो, ये रास्ता ये क्या सीन है, ये रास्ता ये तो पूरा ये रोड ब्लॉक क्यों हुआ है। हेलो ओ माय गॉड, ये एक और डिजास्टर है। आई थिंक यहाँ पे भी कोई उतर माइकल उतर, आई थिंक यहाँ पे भी कोई उसका सीन हुआ था, ज़ॉम्बी एपोकलिप्स का सीन हुआ था यहाँ पे। ये तो पूरा टनल ब्लॉक्ड है, कम आगे हमें जाना पड़ेगा, ये तो पूरा टनल ब्लॉक्ड है। ओके, मुझे नहीं पता कि हम लोग ये रास्ता कैसे क्रॉस करने वाले हैं, लेकिन होपफुली हम लोग कर सकेंगे। नहीं यहाँ पे तो फंस गई है, आई डोंट थिंक हम लोग ये क्रॉस कर पाएंगे। अगर यहाँ पे कोई ब्लॉकेज ना हुआ तो कर सकेंगे, वरना तो वी आर डेड। ओए ये ट्रक क्यों आ रहा है सामने से, पहले इतनी गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। मुझे लिटरली नहीं लगता कि हम लोग यहाँ से निकल पाएंगे, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा जैम हुआ है। एक तो ये सामने से जो गाड़ियाँ आई हैं ना, इनका मुझे समझ नहीं आ रहा, इनको नहीं पता कि क्या टनल ब्लॉक्ड है। आई थिंक बेस्ट यही होगा कि अगर हम लोग आगे से देख के आएँ कि क्या सीन है, यहाँ से गाड़ी जा भी सकती है कि नहीं। अगर नहीं जा सकती तो हम लोग टनल के साइड से चले जाएंगे, टनल के अंदर से नहीं जाएंगे। लेकिन जैसा कि बॉयज तुम लोग देख सकते हो, हर जगह घास उग गई है, गाड़ियाँ टूट फूट के फट चुकी हैं, और अभी रात हो ही नहीं है, रात होने वाली है, और जैसी रात होगी ज़ॉम्बी एपोकलिप्स जो है स्टार्ट हो जाएगा, एंड इट्स गोना बी अ फकिंग डिजास्टर ऑल ओवर। ओके यार, ये तो पूरा का पूरा टनल फाड़ी हुआ है, और मुझे समझ नहीं आ रही है सामने से गाड़ियाँ क्यों आ रही हैं, क्या इनको नहीं पता कि पूरा ब्लॉक हुआ है। ओह माय गॉड, शुक्र है हम लोग यहाँ से अपनी गाड़ी नहीं लेके आए, नहीं तो वापस भी नहीं जा सकना था, ना ही हम लोग उन्हें आगे जा सकते हैं। सो ये एक बहुत ही बड़ा कोई मीटियोर टाइप चीज़ जैसे टनल के बीच फंसी हुई है, जिसकी वजह से सारा मसला हुआ है। खैर अपनी गाड़ी की तरफ वापस चलते हैं, माइकल उधर गाड़ी की तरफ ही पहुँच चुका है। ओके, वो ब्रिज वाला रास्ता तो सारा मैसअप हुआ है, आई थिंक हमें किसी दूसरे रास्ते से ही जाना पड़ेगा। और दूसरे यार ये देखो ना, ये भी ब्लॉक्ड है भाई, एक सेकेंड वही वॉट ये, लेकिन आई थिंक ये ज़्यादा इतना ब्लॉक नहीं, आई थिंक यहाँ से गाड़ी हमारी निकल जाएगी, अगर तो ये बाकी के ड्राइवर्स तंग ना करें। आई थिंक हम लोग यहाँ से चुपचाप जो है ना गाड़ी निकाल सकते हैं अपनी। क्या रास्ता है आगे, आई थिंक है, निकल आएगी यार, कोई बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम तो नहीं है। ओके, निकल आ सकती है, आई थिंक होपफुली निकल आ सकती है। ओ नहीं, आगे तो पूरा रास्ता ब्लॉक है, ओ भाई आगे तो पूरा रास्ता ब्लॉक है, एक सेकेंड। ओ यार क्या ये, अरे यार दोबारा कोई और रास्ता लेना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पे भी आई थिंक कोई डिजास्टर हुआ है, जिसकी वजह से ये सारा उन्होंने रास्ता वगैरह बंद किया हुआ है। आई थिंक देयर इज़ नो वे आउट, आई थिंक हमें वापस जाना पड़ेगा यहाँ से भी। हमारा प्लेन खड़ा है इस वाले एयरपोर्ट पे हमारा प्लेन खड़ा है, तो आई थिंक हमें सीधा वहीं पे जाना चाहिए। लेकिन यार ये इसी रास्ते से जा रहा है, आवर प्लेन इज़ गॉन, रनवे है हमारा लेकिन हमारा प्लेन इज़ गॉन। ट्रक्स हैं, फटे हुए ट्रक्स हैं, फटी हुई गाड़ियाँ पड़ी हैं, और कुछ भी नहीं है। तो यार शाम हो गई है, यानी कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स जो है ऑलमोस्ट शुरू होने वाला है। तो आई थिंक हम लोग तैयारी कर लेते हैं, हमारे पास आई थिंक, मैं देख लेता हूँ एक बार, माइकल से भी पूछ लेते हैं कि इसके पास गन है तेरे पास। हाँ बस ठीक है, इसके पास गन है। ओ वी फाउंड अ ज़ॉम्बी, इसने मार दिया, माइकल ने मार दिया, ये तो जिंदा हो गया, ये जिंदा हो गया, इसको पूरा मारो, इसको हेडशॉट मारो। ये क्या है, लूट, इससे हमें रिसोर्सेज मिली हैं, जिससे हम लोग, क्या है ये सीन है, हाँ इससे हमें रिसोर्सेज मिली है, आई थिंक ज़ॉम्बी को मार के हम लोग, ओ माय गॉड व्हाट, माइकल कम, व्हाट द फक, शूट देम, ये शूट कर रहा है, हमारी हेल्प कर रहा है, ये हमारे पीछे पड़ रहे हैं यार। मैंने इनको मारना नहीं चाह रहा, लेकिन अब मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, उसने माइकल को नीचे गिरा दिया। ओके शुक्र है, माइकल भी हमारी हेल्प कर रहा है, इनको भी मारो। आई थिंक ये अभी तो शाम हुई है, जब ये रात हो जाएगी तो हमारे पास ज़्यादा ज़ॉम्बीज आ जाएंगे। एक सेकंड माइकल, कम, हमें यहाँ से आई थिंक निकलना चाहिए, हम लोग इनको मारते रहेंगे, तो रात होगी है और बंदे आते रहेंगे। निकलो, इनके पीछे मुड़ के ना देखी, बैठ जा, वो हमारे पास आ रहे हैं, खोलने आ रहे दरवाजा। वो बच गए। ओ ये कौन है, ये हमारे रिसोर्सेज चुराने आए हैं, वी हैव टू किल देम, पूरा पूरा मारना पड़ेगा। ये बल्ला लेके आ रहा है एक, म,
माइकल करे ना शूट बस, ठीक है मैं फिर गाड़ी चलाता हूँ, माइकल शूट करे बस ये आगे। अच्छा आई थिंक गैंगस्टर सारे मर गए हैं, ये बस ये ज़ॉम्बीज लगे हुए, वो देखो उसकी लाश खा रहे हैं पूरी। आई थिंक हमें यहाँ से निकलना चाहिए जल्द से जल्द, वी शुड लीव दिस प्लेस। तो बॉयज हमने थोड़ा सा प्लान चेंज किया है, अगर हम लोग सीधा ये ज़ॉम्बीज को यहाँ पे छोड़ के चले गए और हमने ज़ॉम्बीज को ना मारा तो हम लोग कभी भी शहर में वापस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हमारे वापस आते आते पूरा पॉपुलेशन जो है इस शहर की पूरी ज़ॉम्बी में बदल चुकी होगी। तो आई थिंक हमें यहाँ से ज़ॉम्बीज मार के निकलना चाहिए। तो अभी हमें रास्ते से जो जो नजर आएगा, ये एक और ज़ॉम्बीज का झुंडा है यहाँ पे, मारो इनको, मार दिया मार दिया मार दिया, ये आखिरी रह गया, नीचे दो इसको। ओके और कौन रह गया, आई थिंक मैं एयरपोर्ट का निशाना लगा लेता हूँ, इस वाले एयरपोर्ट, तो वो वाला एयरपोर्ट तो पूरा का पूरा तबाह हुआ है, इस वाले एयरपोर्ट पे ही हमें जाना पड़ेगा। ये तुम लोग मैप के अंदर येलो कलर का देख रहे हो, येलो कलर का मतलब ये है कि यहाँ पे एक सप्लाई ड्रॉप आया हुआ है जिसमें रिसोर्सेज होंगी, खाने की चीज़ें होंगी, पानी की बोतलें होंगी ताकि लोग सर्वाइव कर सकें, और कुछ इंजेक्शन भी होंगे जिनसे हम ज़ॉम्बीज़ को जो है वापस इंसान में बदल सकते हैं। लेकिन अब ये रिसोर्सेज जो है बहुत लिमिटेड हैं, ये ऊपर से हेलीकॉप्टर जो है वो हमें रिसोर्सेज छोड़ के जाता है। और लेकिन मसला ये है कि इस रिसोर्सेज के आसपास और भी लोग होंगे जो रिसोर्सेज लेने आए होंगे, जो हमारे दुश्मन हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये ऑलमोस्ट अब कोई फ़ायदा तो है नहीं दूसरों की मदद करने का। ये देखो हमें शूट कर रहे हैं, इनको शूट कर माइकल, इनको रिसोर्सेज नहीं लेने देना। आई थिंक ऑल डेड है, ऑल डेड है, ऑल डेड है, ऑल डेड है, शुक्र है। उतर 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 उतर, रिसोर्सेज पकड़, रिसोर्सेज पकड़, रिसोर्सेज पकड़, प्रेस ई टू लूप, हमने सप्लाई ड्रॉप पकड़ लिया और हमें 14 आइटम मिले हैं। जल्दी बैठ जल्दी बैठ। अब ये मैप के अंदर ब्लू कलर की चीज़ देख रहे हो, ये ब्लू कलर की चीज़ का मतलब है कि ये यहाँ पे अनइन्फेक्टेड लोग हैं और हमें उन लोगों को इन्फेक्ट नहीं होने देना, हमें उन लोगों को ज़ॉम्बी से बचाना है। तो हम लोग इधर ब्लू वाले लोगों की तरफ चलते हैं ताकि हम लोग इनको ज़ॉम्बी से बचा सकें, ये खुद भी इस वक्त ज़ॉम्बी से लड़ रहे होंगे। तो शुक्र है हमारे पास लैम्बोर्गिनी है तो हम लोग बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं उनसे। ओके हम लोग करीब ही हैं उनके और हमें उनकी हेल्प करनी पड़ेगी क्योंकि वो लोग इस वक्त ज़ॉम्बी से फाइट कर रहे होंगे और वो हैं भी अकेले। ओके सो ये अच्छे लोग हैं, ये लोग इन्फेक्टेड नहीं है, हमें उतर के इनके हेल्प करनी है। माइकल उतर, अच्छा इनकी हेल्प करनी है, ये लोग इनको अगर ज़ॉम्बीज नज़र आएगा तो हम लोगों ने उनको इनके साथ मिलके शूट करना है। कहाँ पे माइकल पीछे तो नहीं रह गया, ये लोग कहाँ पे शूट कर रहे हैं? ओके वो आए हुए हैं, वो ज़ॉम्बीज आ गए उस तरफ। मैं आई थिंक बेहतर गन निकाल लेता हूँ, एआर निकाल लेता हूँ। ओके ये बेहतर है, बेस्ट है। मैं सीधा माइकल की तरफ ही चलता हूँ, ये ना ओके वो मर जाए बेचारा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनमें से ज़ॉम्बीज कौन है और अच्छा बंदा कौन है, इसलिए मैं तो अन्य वाफ फायरिंग कर रहा हूँ, लेकिन होपफुली हम लोग किसी अच्छे बंदे को नहीं मारेंगे। ये देखो इन्फेक्ट हो गया, इन्फेक्ट हो गया, ये इसने मार दिया, इस वाले ज़ॉम्बीज ने जो है इसको मार दिया, मतलब अब ये भी ज़ॉम्बीज हो गए। लेकिन हम लोग इसको मज़ीद शूट कर देते ताकि ये ज़िंदा ना हो सके, वरना अगर ज़िंदा हो जाएगा तो ये ज़ॉम्बी बन के बाहर आ जाएगा। कोई रिसोर्सेज मिल जाएँ ताकि कुछ, हाँ ओके इसमें से 4 रिसोर्सेज मिले हैं हमें। नहीं नहीं बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ रहे हैं, आई थिंक हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। माइकल माइकल वापस आ, माइकल कुत्या वापस आ, छोड़ दे उनको, यहाँ पे बाकी लोग हैं फाइट कर रहे हैं, हम लोग एयरपोर्ट वाली एरिया पे चलते हैं। जल्दी बैठ जल्दी बैठ जल्दी बैठ जल्दी बैठ। ओके हम लोग सीधा एयरपोर्ट वाले एरिया पे चलते हैं, इनको छोड़ो क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लोग हैं फाइट कर रहे हैं। इतनी देर ड्राइविंग के दौरान माइकल जितना शूट कर सके कर लेगा। ओके इसको नीचे दे देता हूँ। चलो ये अच्छी बात है कि हमारे पास लैम्बोर्गिनी है यार, नहीं तो बहुत देर से पहुँचते हम लोग। यहाँ पे भी पूरा झुंड है ज़ॉम्बियों का, आई थिंक हम थोड़ी सी उतर के ना इनको खाली कर लेते हैं। काफी हद तक हमने मार दी है। ओए माइकल को मार दिया इसने, माइकल मर गया, माइकल मर गया, माइकल मर गया। नो वे नो वे नो वे। तो माइकल को हम लोगों ने गाड़ी में बिठा लिया है और उसको ऑब्वियसली हॉस्पिटल छोड़ के आना पड़ेगा क्योंकि ये इंजर्ड हो गया। पहले माइकल को हॉस्पिटल छोड़ के आते हैं और उसको जब पट्टियाँ छट्टियाँ हो जाएंगी तो हम लोग सीधा जो है एयरपोर्ट चलेंगे। तो वी कैन लीव दिस प्लेस, एमरजेंसी पे रोक देता हूँ। अबे ज़ॉम्बी यहाँ पे भी है, अबे उठ 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 उठ। ये तो नहीं होगा कि पूरे डॉक्टर्स भी ज़ॉम्बीज बने हों। इनसे मैं लूट कर लेता हूँ, रिसोर्सेज मिले थोड़े से। ओके अब हम लोग माइकल को छोड़ सकते हैं हॉस्पिटल। और अब वैसे माइकल जो है ठीक हो चुका है और जैसे कि तुम लोग देख सकते हो सुबह भी हो गई है। तो आई थिंक ये ज़ॉम्बी जो है आहिस्ता आहिस्ता मरना शुरू होंगे। अभी सिर्फ सुबह के 7 बजे हैं अराउंड, ये कोई सुबह के कोई 10-11 बजे के करीब जो है ये लोग मरना शुरू होंगे। लेकिन आई थिंक यहाँ पे जितना हम लोग इनको मार सकते हैं वो तो मार लेना कम से कम। अब हम लोग जो है सीधा एयरपोर्ट ही चलते हैं। दी ज़ॉम्बी
जो जो नजर आएगा ना उनको तो मैं नीचे मारता जाऊंगा, बाकी माइकल काम कर देगा हमारा। ओए आगे रास्ता ब्लॉक है, आगे रास्ता ब्लॉक है, ये क्या मजाक है? एक सेकंड, अच्छा नहीं नहीं ये वो है तबाही वाला एरिया है ये, आई थिंक वो जहाज का जो पायलट है जो ज़ॉम्बी बन गया है, यहाँ पे जहाज भी क्रैश होगा। हाँ ये रहा, ओके बड़ी, मुझे समझ नहीं आ रही, सुबह हो गई है लेकिन ये फिर भी ज़ॉम्बी जो है फिर ही जा रहे हैं। मिल गया मिल गया मिल गया, ये हाइड्रा खराब है कि यहाँ पे, बस ठीक है बेस्ट हो गया। मिलिट्री का जहाज़ है ये, ना हो कि चोरी करते ही जो है पुलिस पड़ जाए। तो हम लोग गाड़ी अपनी यहीं पर पार्क कर देते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम अगर हम लोग यहाँ पर वापस आएँ जब हालात बेहतर हो जाएंगे तो हम लोग जो है इसको दस्ती यहीं से हम लोग अपनी लैम्बोर्गिनी पकड़ लें। इस वक्त हम लोग बैठे हैं इस हाइड्रा पे, लेकिन ये तो वन सीटर है। एक सेकंड, ये मुझे कंफर्म करना पड़ेगा कि माइकल इस पे बैठ सकेगा कि नहीं। आई थिंक बैठ सकेगा, कैन यू सिट? नहीं बैठ सकता, नहीं बैठ सकता, ये यूजलेस है, ये यूजलेस है। कम कम कम, वापस आओ, वापस आ, इस जहाज पे नहीं हम लोग जा सकते। ओए इज दैट हाँ मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, आई थिंक ये टू सीटर है। जल्दी बैठ, थोड़ा टट्टी प्लेन है लेकिन बैठ उसे पहले ज़ॉम्बीज आए। तो लैम्बोर्गिनी हमने अपनी यहीं पे पार्क कर दी है ताकि नेक्स्ट टाइम अब हम लोग आएंगे तो हम लोग यहीं से लैम्बो उठा लेंगे सीधा। लेट्स लीव, चलो भाई फाइनली वी कैन गो बैक टू आवर सिटी। तो बॉयज इफ यू एंजॉयड दिस ज़ॉम्बी अपोकलिप्स एस्केप इन लैम्बोर्गिनी, लीव अ लाइक और सब्सक्राइब, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब होगा और साथ में बेल आइकन भी दबाना है। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ GTA 5, वी फाइनली एस्केप ज़ॉम्बीज, लेट्स गो।